दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, बेल आइकन। दोस्तों अगर आप हमारे हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, वहां पर हम हिंदी साहित्य की एक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, और कुछ नहीं, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीएस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको कि थोड़ा बहुत बोलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि छाले हो रखे हैं, होठों पर हो रखे हैं, वो क्या दांत के टच होते ही दर्द करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत बोलने में तकलीफ होगी तो आप ऐसा मत समझना कि भाई क्या है, कुछ एक तो बोलने लग जाते हैं क्या सर मिराज खा रहे हो क्या ना। तो दोस्तों मिराज विराज कुछ नहीं खा रहा हूँ, क्या है कि चाय पी रहा था तो क्या है कि गर्म गर्म चाय पी ली ना तो होठ थोड़े ऐसे चल गए, तो इसमें थोड़ा अभी देखिए हम भक्तिकाल शुरू कर रहे हैं तो देखिए जो भक्तिकाल का समय है वो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन मैं आपको अभी ये चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं एक पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है, उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, अगर आप सुनोगे तो उसमें से कम 3 या 4 के सुनाएंगे हम। ये सारी चीजें ना ये अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मैं उस पैराग्राफ को शुरू कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, भक्ति काल के लिए ये वो लाइन है, जो लाइन है मैं बोल रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना। देखिए भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण कालखंड है। हिंदी का भक्ति साहित्य भक्ति आंदोलन की उपज है। अब जो हिंदी का जो भक्ति साहित्य है ना उसी से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, समझ रहे हो आप मेरी बात। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं ये बताई गई कि इसमें धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया था। अब धर्म तो जो धर्म की जो भावना जो साधना करते थे लोग वो अब भावना का विषय बन गई थी। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। कौन से संत? नामदेव। कहां के? महाराष्ट्र के। क्या हुआ? इनकी रचनाओं से ही भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इनका जो नामदेव जी है इनका जन्म हुआ था 1267 ईस्वी में, ये ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। तब से लेकर लगभग 300 वर्षों तक भक्ति हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति बनी रही। इस काल ने हिंदी को कबीर जायसी सूर तुलसी मीरा जैसे महान कवि दिए। इस आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। डॉक्टर गिरिसेन जी ने भी कह दिया था और सर्वमान्य मत भी मिल गया था, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाए। सुन लिया ना आपने मेरी बात को? यहाँ पे देखिए 2-3 लाइनें अभी मैंने पढ़ी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आपको याद भी नहीं होगा, इसीलिए मैं उनको कम से कम 3-3 बार बोलूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक बात बोली थी, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहा था? धर्म का रसात्मक रूप किसको कहा? रामचंद्र जी शुक्ल ने। तो ये याद रखना आप, भक्ति को। मैंने दूसरा अभी जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें एक दूसरी बात मैंने बताई थी, वो थी महाराष्ट्र के संत नामदेव जी, जिनकी रचनाओं से ही भक्ति साहित्य की शुरुआत मानी जाती है और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बातें मैंने पढ़ी, अभी आगे और मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते जाना। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा है जो हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था, वो जोरों शोरों से हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। नामदेव यदि अपनी भाषा यानी कि नामदेव जी थे, अभी हमने जो नामदेव जी को पढ़ा है ना, वो नामदेव जी क्या है, मराठी भाषा में लिखते थे, लेकिन उन्होंने साथ साथ में हिंदी भी लिखना शुरू कर दिया था। और जहां पर देखा जाए नानक देव है, गुरु नानक है, तो वो नानक देव जी हैं जो पंजाबी में लिखते थे वो अब हिंदी में भी साथ साथ में लिखने लग गए थे। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक व्यापारी साधु संत अधिक होते थे, इससे मध्य देश की भाषा के प्रचारित प्रसारित होने की स्थिति हुई। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय था, ठीक है, पूरे भारत में इस भक्ति साहित्य की जो वो भी विशेषताएं थी उनको अपनाया गया था।
किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता ये थी कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए थे। यहां पर कुछ अपने उत्तर भारत की ओर आए ना, जैसे ये भक्ति साहित्य उत्तर भारत की ओर बढ़ा, वहां पर कुछ मुस्लिम जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी है ऐसे कवि भी शामिल हो गए थे। रहीम है, ठीक है, रस खान है, ये भी इसके अंदर शामिल हो चुके थे। संभवतः भक्ति कवियों की इतनी अधिक संख्या भी केवल हिंदी में ही है, ये भी ध्यान रखना। इस भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या था, तो इस पर एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसका ऐतिहासिक आधार क्या था। तो शुक्र जी क्या कहते हैं, भाई लोग कहते हैं कि भाई ये भक्ति काल है जो शुरू कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन है जो शुरू कैसे हुआ, तो इस पर शुक्र जी क्या कहते हैं, उनके विचार क्या है कि इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदी जनता की ऐसा निराशा मन स्थिति से जोड़ा जाता था, जोड़ा गया था, किसके द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा, कि भाई जब इस्लाम ने आक्रमण किया था तो हिंदी जनता थी, जो हिंदी भाषी लोग थे वो बहुत ही मतलब कि ऐसा ही हो गए थे, उनका कोई सहारा नहीं था, इसी कारण ये भक्ति आंदोलन पनपा। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, दूसरी ओर ये मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अब उस समय हिंदू हिंदी जो जनता थी उनके पास और कोई दूसरा साधन ही नहीं था, जब इस्लाम ने मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, भगवान को याद करने के सिवाय उनके पास और कुछ था ही नहीं दोस्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। उन्होंने कहा था कि जो भारतीय चिंताधारा है ना, उसका स्वाभाविक विकास ही भक्ति आंदोलन है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद, जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। ये आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुख एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। भक्ति आंदोलन का उदय और विकास किसी सुसंगत विचारधारा या दर्शन के बिना नहीं हो सकता मेरे भाइयों। इस दृष्टि से रामानुज और रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति लोकोन्मुख एवं करुणा है। यहाँ पे रामानुज जी क्या कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने की में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, ये लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाए थे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ दिया है कि रामानंद जी जो रामानुज जी की परंपरा पर चले थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को या भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए थे। रामानंद जी का मैं समय आपको देखिए, ये रामानंद जी है, इनके बारे में और सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जितना भी मैंने पढ़ा है ना वो लगभग सब आ जाएगा, लेकिन एक बार ये जो पैराग्राफ है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने सोचा ये पहले आपको सुना दूं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। देखिए रामानुज जी की परंपरा पर ही रामानंद जी चले थे, जिनका समय मैं आपको बता देता हूँ, 1400 से 1470 तक इनका जो है ईस्वी तक इनका समय रहा था, यानी कि ये 70 साल तक जीवित रहे थे, और इन्होंने जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में ये लेके आए थे। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वह साधना पदयात्री मात्र थी, आंदोलन नहीं था, अब ये आंदोलन का रूप बन चुकी थी। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में यह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। ये पैराग्राफ दोस्तों मैंने पढ़ा है, और अब हम देखिए जो है इसके बारे में देख लेते हैं, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो भक्ति काल समय आपके सामने लिखा हुआ है, ईस्वी में लिखा हुआ है और विक्रम संवत में भी लिखा हुआ है। इसका समय है 1318 से 1643 ईस्वी, यानी कि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भजन, स्मरण या कीर्तन करना। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने चिंतामणि भाग एक निबंध है जो श्रद्धा और भक्ति में श्रद्धा वे प्रेम के योग को भक्ति कहा है। यहां पर आप अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने चिंतामणि भाग एक में निबंध श्रद्धा वे भक्ति में श्रद्धा वे प्रेम के योग को क्या कहा है, भक्ति का है। पश्चांतरी
जो इसके भक्ति काल का माना जाता है वो है गीता और ब्रह्म सूत्र, इन ग्रंथों से इसका प्रस्थान त्रय माना जाता है। उपनिषद प्लस भागवत पुराण प्रस्थान चतुष्ट में, इनमें देखिए भागवत पुराण को जोड़कर प्रस्थान चतुष्ट में का निर्माण किया गया था। भागवत पुराण में भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख है, जबकि भक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं, दास्य, सखा, माधुर्य, शांत और वात्सल्य। यहां पे मैं रुक रहा हूं क्योंकि आप इनको 2-3 बार आराम से इसको पढ़ सकते हो। लास्ट में जब मैं आपको पूछूंगा तब आप मुझे पता है गलत करोगे, मैं आपको पूछूंगा भक्ति के 5 प्रकार बताओ तो आप क्या बताओगे, दास्य, सखा, माधुर्य, शांत और वात्सल्य। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में विष्णु के सभी अवतारों का उल्लेख है, सिर्फ महात्मा बुद्ध के अवतार को छोड़कर। डॉक्टर गिरेशन ने कहा था कि ईसाइयों के आगमन से भक्ति का उदय हुआ है। रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा था इस्लाम के आगमन से भक्ति का आगमन हुआ है। यहाँ पर कुछ अलग अलग मत हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है आंसर क्वेश्चन जो आंसर है सॉरी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा कि ईसाइयों के आगमन से भक्ति का उदय हुआ ये कौन मानते थे, तो आप मुझे पता है वहां पर करोगे क्या, रामचंद्र जी शुक्ल। जबकि रामचंद्र जी शुक्ल ने माना था इस्लाम के आगमन से भक्ति का उदय हुआ, ग्रियसेन ने माना था कि ईसाइयों के आगमन से भक्ति का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता, यानी कि ये जो है रामचंद्र जी शुक्ल की बात का खंडन कर रहे हैं कि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी बाहर आना भक्ति का स्वरूप ऐसा ही होता। द्विवेदी जी ने भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य द्विवेदी जी ने भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की जो है शुरुआत मानी है। भक्ति शब्द श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है और भक्ति आंदोलन का जो जन्म है 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ। इसका श्रेय है जो आलावार संतों को चाहता है। ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचना ही इनका मेन मुख्य कारण था, मुख्य उद्देश्य था इन आलावार संतों का। आलावार वैष्णव थे जबकि नयनार शैव थे। इन दोनों का उद्देश्य जैन व बौद्ध धर्म का अंत करना था। ये संत केरल तथा मद्रास के रहने वाले थे तथा इनकी भाषा तमिल थी। आलावार संतों की संख्या 12 है जिसमें एक महिला संत अंडाल यानी कि गौदा का वर्णन हमें मिलता है। इन्होंने भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया जिनका आधार गीता वे उपनिषद में है। आलावार संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैन और बौद्ध धर्म को समाप्त करना। 9वीं शताब्दी में आलावार भक्तों की 4,000 भजनों का संकलन नाथ मुनि ने दिया दिव्य प्रबंधन में किया। अब देखिए कुछ संप्रदाय आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आने हैं इस वीडियो में से ही, ये मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों आपने वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपने अगर देखा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लीजिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा है, वहां पर जाइए, वहां पर हिंदी साहित्य की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।